गुड मॉर्निंग पीपल, क्या हाल चाल है। आई होप आप बढ़िया कर रहे होगे अपनी ट्रेडिंग में। आज है मंडे का दिन, तो मंडे को जैसे कि पता है मैंने नया रूल बना के रखा है कि भाई मंडे को कभी भी मैं जंप नहीं करूंगा मार्केट में। और आज हुआ ऐसे कि भाई इतना लेट उठ गया है कि जंप करने का कुछ बनता ही नहीं है मार्केट में। ठीक है, 11 बजे मैं ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ आज, जो कि आज तक हुआ नहीं भाई। 9 बजे उठ गया था लेकिन कुछ कामों में टाइम निकल गया और इस वजह से आज लेट हो गया है। जो भी हुआ, अब शुरू करते हैं ट्रेडिंग और चलते हैं कहाँ पे पोजीशन बनाएंगे, क्यों पोजीशन बनाएंगे, कैसे पोजीशन बनाएंगे, हम लोग देखते हैं और शुरू करते हैं ये वीडियो बिना टाइम वेस्ट। अभी जो है मैं पोजीशन बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, हम लोग देखते क्या होगा इस पोजीशन का, क्योंकि मैं एक बास्केट बना दिया हूँ यहाँ पे, तो जो बास्केट है उस हिसाब से करेंगे हम लोग। यहाँ पे बाय लिखा है लेकिन ये सेल का, अरे हाँ अच्छा हुआ मैंने चेक कर लिया है, अच्छा हुआ मैंने चेक कर लिया भाई, यहाँ पे मैंने पुट की पोजीशन बना देता था। ऑल राइट, कॉल सेल करना है ना हमें, ऑप्शन चेन में जाते हैं, ठीक है, 380 की दो सेल मारते हैं, ठीक है। नहीं यार ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये हो क्या रहा है, 20-30 रुपए की पुट, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं प्लेस ऑर्डर, ठीक है, जाके फटाफट स्टॉप लॉस लगाते। मार्केट भाव मिला है, मार्केट भाव में कभी मैं लगाता तो हूँ नहीं, बट मिल गया है तो मिल गया है भाई। अभी मार्केट भाव देखते फटाफट स्टॉप लॉस लगाते, 371 पे है, हम लोग इसको थोड़ा सा मूव होने का टाइम देते हैं, है ना। तो अगर ऐसा लगता है थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा ही जा रहा है तो फिर अपन बफर लगा देंगे बांध में, अभी फ़िलहाल के लिए सही है पोजिशन, ठीक है। अभी जो है हम लोग अराउंड नो लॉस नो प्रॉफिट के आसपास चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे रिस्क लिया है, हो सके तो यहाँ पे और एक लॉट में ऐड करूँगा। बास्केट में चलते हैं, यहाँ पे 1-1 कर देते हैं, ठीक है, इतना रिस्क लेना तो बनता है। अगर ये ऊपर पे निकलता है तो हम लोग फिर ऐड नहीं करेंगे। कितने पे हम लोग ने सेल किया पहले देख लेते, अराउंड 371 का एवरेज है, ठीक है, 371 का एवरेज है, अभी 377 चल रहा है मार्केट। तो आज तुम्हें लाइव पोजीशन देखने मिल चुकी है भाई, और अभी देखते हैं और एक मैं ऐड करता हूँ फटाफट से, है ना, अगर मेरे को अच्छा मिलता है, अच्छा लगता है तो मैं और एक ऐड कर दूंगा, तो 3-1 लॉट हो जाते तो फिर मेरे लिए सही हो जाता है भाई। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि ये ऊपर एकदम ही निकल जाता है तो हम लोग जो है अवॉइड करेंगे, इसके लिए चांस लेके देखा है कि क्या हो रहा है, अगर सही जाता है तो सही जाता है भाई, स्टॉप लॉस नहीं तो कट जाए। चेक करते हैं अभी क्या चल रहा है, तो ये देखो 100-150 रुपए के लॉस में चल रहे हैं हम लोग, जो कि कोई दिक्कत की बात है नहीं मेरे ख्याल से, यहाँ पे प्राइजेस अटक गए हैं, ठीक है, अब चल रहा है, अब सही चल रहा है, और नेटवर्क का इशू होगा, चलो कोई बात नहीं, 200-150 रुपए चल रहा है। तो सीन ऐसा है, देखो कल हमने बात यही किया था कि हम लोग जो है पहले पुट शॉर्ट करके देखेंगे मार्केट में, अगर पुट शॉर्ट करने के बाद अगर मार्केट जो है अगर हमारे साइड पर नहीं जाता इनके, तो हम लोग जो है यहाँ पे कॉल शॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे अगले दिन से, ठीक है, सेलिंग जोन में जाएंगे। लेकिन अभी भी मेरे हिसाब से सेलिंग इतना एग्रेसिवली करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि देखो इसने ये वाले जोन जो है जहां पे हम लोग ने पहले भी है ना पोजीशंस बनाने की सोची थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये सब पोजीशन हमने बुलिश वाली पोजीशन बनाई थी, अगर पिछले वीडियो नहीं देखे तो। ये जोन ऐसा है ना जहां पे हम लोग ने जो है बुलिश वाले काफी सारे ट्रेड बनाए हुए है, और मार्केट देखो क्या कर रहा है, कल एक ये वाली रिजेक्ट हुई यहां से कैंडल, और आज एक ये वाली जो है कैंडल ऊपर जाके क्लोज हुई है, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट फिर से बुलिशनेस में जाना तो चाहता है, ठीक है। अगर मैं सुबह सुबह ट्रेड करता तो हो सकता है ये वाली पोजीशन मैं बनाता था यहाँ पे, जो कि पुट शॉर्ट करने की है, ठीक है, कौन सी पुट शॉर्ट करने की है, ठीक है, बुलिश का हम लोग जो है ट्रेड बनाते थे। क्यों बनाता था मैं,
क्योंकि अभी भी कंफर्मेशन एकदम जो मिलना था वो नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? क्योंकि देखो ये गैप बचा हुआ है भाई, ये गैप फिल कर सकता है मार्केट, गैप फिल करता ही है मार्केट, ठीक है। तो ये गैप फिल करके हो सकता है कि ये गैप फिल करे फिर मार्केट जो है सेलिंग में जाना स्टार्ट करे, ठीक है। तो ये जब तक गैप फिल नहीं होता तब तक जो है एग्रेसिवली सेल करना नहीं बनता मेरे भाई। हो सकता है कि अभी ही सेलिंग में चले जाए, इसी वजह से हम लोग क्या ले रहे हैं भाई, चांस ले रहे हैं मार्केट में, ट्राई करके देख रहे हैं छोटी छोटी पोजीशन बना के कि क्या हो रहा है, मार्केट हमारे साइड पे यू नो रिस्पेक्ट कर भी रहा है कि नहीं। हो सकता है यहाँ पे मैं गलत हूँ, क्योंकि यहाँ पे पुट शॉर्ट करना ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि जहां से मार्केट यू नो अच्छा खासा रैली किया था वहीं से फिर से रैली करने की शायद कोशिश कर सकता है। अब देखो थोड़ी सी कंफ्यूजन है मार्केट में, क्लियर नहीं है डायरेक्शन अभी भी। तो जब क्लियर नहीं है डायरेक्शन तो थोड़ा सा वेट किया जाता है, वहां पे देखा जाता है मार्केट क्या कर रहा है। जब डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा एक बार, तब हम लोग जो है एग्रेसिवली थोड़ा हो सकते हैं मार्केट में। इस वजह से छोटी छोटी पोजीशन बना के हम लोग जो है ट्राई करेंगे। तो आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। और मेरे आंखें अभी भी थोड़ी नींद में है, क्योंकि मैं रात में भाई एडिटिंग करने बैठा था, क्योंकि सेकंड चैनल के लिए। अगर अभी तक तुमने जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक बटन जरूर दबा देना भाई। तो हमारी पोजीशन जो है कट चुकी है मार्केट में, और हमें जो है अभी 1390 रुपए का लॉस हो रहा है। तो ज्यादा तो लॉस हुआ नहीं है, सबसे बेस्ट चीज पहली बात तो यही है कि ज्यादा लॉस हमने मार्केट को दिया नहीं। अब बात कर लेते हैं सीन क्या हो रहा है। देखो निफ्टी में एक बात, यहाँ पे एक निफ्टी में चेक कर लो, यहाँ पे एक जोन है, ठीक है, ये वाला एक जोन है जहां से मार्केट, ये देखो सबसे पहले यहां से पलटा था, फिर यहां से जो है बुलिश कैंडल बनाया था, अब यहां जाके मार्केट पलटने की कोशिश कर रहा है। मैंने निफ्टी चेक नहीं किया था वो टाइम पे, और आज जो है लेट होने की वजह से काफी सारे चीजें मैंने नहीं चेक किया है यहाँ पे। और अभी इसमें देख लेते क्या हुआ है। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, काफी कंफ्यूजन है मार्केट में इसको लेके कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, है ना। कंफ्यूजन अभी भी है मार्केट में, ऊपर साइड पे मार्केट अभी धीरे धीरे चढ़ना चालू कर रहा है। और जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो में भी बोला था तुम्हें कि अगर मैं सुबह ट्रेड करता तो ये वाली पोजिशन मैं यहाँ पे बनाता, ठीक है। और एग्जैक्टली मार्केट वहीं से पलटा है, और थोड़ी देर पहले वही बात कर रहे थे, हो सकता है मार्केट यहां से भी पलटे। इसी वजह से जो है मैंने यहां पे स्मॉल क्वांटिटी क्यों ली थी, इसी कारण ली थी मार्केट में, क्योंकि ये लेवल जो जिस जगह पे मैंने सेल किया था वो कोई अच्छा बड़ा लेवल नहीं था, जहां पे सेल करने लायक लेवल नहीं था मेरे भाई। तो इसी कारण जो है मैंने वहां पे क्वांटिटी जो है कम रखी थी। तो यहाँ पे ऐसा कोई बड़ा जोन नहीं था, ठीक है, लेकिन एक जोन जो हमारा हमेशा से है, जैसे कि मैं बात कर रहा था, इसी जोन से इसने पलटा, तो इस कारण मैंने यहाँ पे जो है पोजीशन आगे नहीं बनाई। तो हमारी पोजीशन जो है कट चुकी है मार्केट में, और हमें जो है अभी 1390 रुपए का लॉस हो रहा है। तो ज्यादा तो लॉस हुआ नहीं है, सबसे बेस्ट चीज पहली बात तो यही है कि ज्यादा लॉस हमने मार्केट को दिया नहीं। अब बात कर लेते हैं सीन क्या हो रहा है। यहाँ पे एक निफ्टी में चेक कर लो, यहाँ पे एक जोन है, ठीक है, ये वाला एक जोन है जहां से मार्केट, ये देखो सबसे पहले यहां से पलटा था, फिर यहां से जो है बुलिश कैंडल बनाया था, अब यहां जाके मार्केट पलटने की कोशिश कर रहा है। मैंने निफ्टी चेक नहीं किया था वो टाइम पे, और आज जो है लेट होने की वजह से काफी सारे चीजें मैंने नहीं चेक किया है यहाँ पे। और अभी इसमें देख लेते क्या हुआ है। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, काफी कंफ्यूजन है मार्केट में इसको लेके कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, है ना। कंफ्यूजन अभी भी है मार्केट में, ऊपर साइड पे मार्केट अभी धीरे धीरे चढ़ना चालू कर रहा है। और जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो में भी बोला था तुम्हें कि अगर मैं सुबह ट्रेड करता तो ये वाली पोजिशन मैं यहाँ पे बनाता, ठीक है। और एग्जैक्टली मार्केट वहीं से पलटा है, और थोड़ी देर पहले वही बात कर रहे थे, हो सकता है मार्केट यहां से भी पलटे। इसी वजह से जो है मैंने यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी क्यों ली थी, इसी कारण ली थी मार्केट में,
क्योंकि ये लेवल जिस जगह पे मैंने सेल किया था वो कोई अच्छा बड़ा लेवल नहीं था, जहां पे सेल करने लायक लेवल नहीं था मेरे भाई। तो इसी कारण जो है मैंने वहां पे क्वांटिटी जो है कम रखी थी। तो यहाँ पे ऐसा कोई बड़ा जोन नहीं था, ठीक है, लेकिन एक जोन जो हमारा हमेशा से है, जैसे कि मैं बात कर रहा था, इसी जोन से इसने पलटा। तो भाई अभी मार्केट में कुछ बचा नहीं है करने के लिए, देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एक ही पोजीशन अगर मैं जो सुबह में बनाता था, शायद ये वाली पोजीशन में जो बनाने मिलती थी, और ये अच्छा खासा गया है, 100-150 पॉइंट तो गया है ये। बट ये रिस्की पोजीशन होगी क्योंकि जो बुलिशनेस है वो वीक होते जा रही है, तो ओवरनाइट ऐसी पोजीशन लेके जाना थोड़ा सा रिस्की होता है। तो ऐसे टाइम पे या तो मेरे को बुक करना पड़ता था, है ना, पोजीशन जो है वहीं पे बुक करनी पड़ती थी। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं। अभी जो है ऑलमोस्ट मार्केट बंद होने आ चुका है, तो अभी करते हैं एंड। 3 बज चुके ऑलरेडी, तो अभी तो कोई नई पोजीशन बनाने का कुछ बनता है नहीं। तो करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड और मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर कुछ सवाल हो तो आप जो है नीचे कॉमेंट में पूछ सकते हो, उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर। Shawty, big kid, boy, yeah, yeah. Mary, poor child, kid, who